अमरोहा जनपद के गांव आलमपुर कैच में ग्राम पंचायत चुनाव की तैयारियां जोर शोर पर चल रही हैं, जिसमें ग्राम पंचायत चुनाव में उम्मीदवार के पद पर सतपाल सिंह यादव गांव का चौमुखी विकास कार्य कराने के लिए उन्हें ग्रामीणों ने मैदान में उतार दिया है। सतपाल सिंह यादव ने बताया कि समाज सेवा करना उनका दायित्व है, जिसकी वजह से ग्राम पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं। यदि वो चुनाव जीत गए तो गाँव में लोगों को हो रही परेशानियों से निजात दिलाने के लिए उनकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। इस बार गांव में जो विकास कार्य ग्राम प्रधान के कार्यकाल में पूरे नहीं किए गए, उन सभी विकास कार्यों को पूरा किया जाएगा। गांव में ऐसे लोग जिनकी गलियों में गारा और जलभराव की समस्या बनी रहती है, उनके यहां पर पक्की सड़कें बनवाई जाएंगी। गाँव में जिन लोगों के पास कच्चे मकान हैं, उन सभी के पक्के मकान बनवाए जाएंगे और विकास कार्य की गंगा बहाई जाएगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि यदि वह जीत गए तो समाज के प्रति लोगों की सेवा में सदैव तत्पर रहेंगे, उनके सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर साथ चला जाएगा। समर इंडिया के लिए अमरोहा से रोहित कुमार की रिपोर्ट। सतपाल सिंह यादव ग्राम में दोनों दो हमारा आलमपुर कैच है और उसी में लगा यूसुफपुर मजरा है, दोनों गांव में विकास की धारा बहाना चाहता हूँ। जो है गांव में रास्तों का विकास हो, पानी का विकास हो। हमारे गांव में सारा तालाब आट लिया है, उसका मैं यह है उसी तालाब को यह है उसका दोबारा से सफाई कराना चाहता हूं। जो बेकार हुए पड़े हैं उन्हें सबको यह है, हम जो आने वाला जो प्रधान जो वर्तमान प्रधान है उन्होंने हमारे गांव में कोई विकास नहीं करा है बिल्कुल भी। सभी कामों को बिजली व्यवस्था भी देखनी है और जो है पानी की भी देखनी है और रास्तों की भी देखनी है, सभी व्यवस्था देखनी है। छोटे वर्ग को बड़े वर्ग को सबको ले एक साथ लेकर चलना है। अच्छा मोनू जी बताइए कि जिस तरीके से ग्राम प्रधान नए उम्मीदवार हैं और ये चाहते हैं गांव में विकास करना चाहते हैं और अपने बहुत ही अच्छा आदमी है, किस तरीके के रास्ते उस्ते सबका विकास करना चाहते हैं और ये पहले अपने गाँव का पानी सफा करते हैं सफा। मेरे को तो खुद माले जान से गए मगर ये है कि पिछले बीच के प्रधानों से कुछ इनसे ज़्यादा उपेक्षा रखते हैं तो इसलिए मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। है मतलब कहने का बहुत सामाजिक आदमी है, मतलब बढ़िया का काम करेंगे और दोनों गांवों का विकास करेंगे। धार्मिक आदमी मतलब बढ़िया आदमी है मतलब और क्या पता नहीं क्या क्या कराया है मतलब हम बेकार कर लगे। हम सोमपाल सिंह साहब विकास करने के हिसाब से खड़े हैं साहब, वैसे आदमी ठीक है ये और साहब जितने पहले बने हैं उन्होंने भी अपने जानस्ताई में कोई कमी ना छोड़ी, लेकिन एक सबकी इच्छा तो सब पूरी नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने कैच में ज्यादा कराया इससे पर में काम कम कराया। उम्मीद ही कर रहे हैं या ना करें इस बात को तो हम नहीं कह सकते। क्यों जी भारतीय स्वाभिमान और शौर्य का उद्घोष, राजनीतिक मुद्दों से लेकर जनता के हितों की बात, अब होगी नई उम्मीद के साथ बदलते नए भारत की सोच। समर इंडिया, यही तो सच है।